सर्वजीवहितावहाय नमः। सोळ सोळ वर्षना वाणा वाई चुक्या हता। आखरे सत्पुरुष द्वारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियानी पुण्यवंती भूमि ने फरी एक वखत पावन थवानो अनेरो अवसर आवी पहुंच्यो। आ पूर्वे सन 2002 मां परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अत्रे विचरण अर्थे पधार्या हता अने त्यार बाद सन 2018 मां परम पूज्य महंत स्वामी महाराज पर्थ शहरनी सर्वप्रथम मुलाकात लई रह्या हता। आ विचरण विशिष्ट ऐतिहासिक अने स्मृति सभर रहेवानुं हतुं। ए दिवस हतो मंगळवार, तारीख 3 एप्रिल 2018 नो। कहता के तारीख प्रमाणे श्री हरि जयंतीनो अति पवित्र दिवस। प्रमुख स्वामी महाराजना अस्थि पुष्प विसर्जननी महापूजा विधि माटे ज्यारे स्वामी श्री विटफोर्ड्स नॉट्स पार्क पधार्या त्यारे समय थयो हतो सवारना 11:07 नो। स्वामीश्रीए हिलेरीना बोट बंदर तरफ प्रयाण कर्यो। रोटनेस्ट फास्ट फेरीज जाने हरिकृष्ण महाराज अने स्वामीश्री द्वारा प्रसादीभूत थवानी प्रतीक्षा करी रही हती। नौकामां सवार थया बाद स्वामीश्रीए नीचेनी केबिनमां पोतानुं स्थान ग्रहण कर्यो अने आ तरफ नौकाए ज्यां हिंद महासागरमां सर्वप्रथम वखत अस्थि पुष्पोनुं विसर्जन थवानुं हतुं ए स्थळ तरफ गति पकड़ी। 11:53 स्वामीश्री बोटनी आगळनी तूतक एटले के डेक ऊपर पधार्या। समुद्र जळनी पेले पार किनारा पर सैकड़ों हरिभक्तो आ ऐतिहासिक प्रसंगना साक्षी बनवा आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा करी रह्या हता। बराबर 11:54 स्वामीश्रीए नीला वादळी अत्यंत शुद्ध जळमां अस्थि पुष्पों विसर्जित कर्या। जड़ शुद्ध तो हतुं परंतु आजे ते पवित्र थयो। समग्र विधि दरमियान सौ स्वामी नारायण महामंत्रनो जाप करी रह्या हता। स्वामीश्रीए प्रमुख स्वामी महाराजना सेवक संतोनी स्मृति करी अने पूज्य विवेक सागर स्वामी माटे प्रार्थना करी के जेमनी टूंक समय में भारत में बाईपास सर्जरी थवानी हती। बपोरे 12:10 नौका गोदी तरफ एटले के डॉक तरफ पाछा जवा माटे फेरवामां आवी। परंतु आज समय कैप्टन ने एवो संदेशो मळ्यो के डॉक उपर कोई पार्किंग उपलब्ध न होवाथी तेमने 10 मिनिट वधु राह जोवी पड़शे। ते दरमियान कैप्टन बोट ने समुद्र में आगळ लई गयो। स्वामीश्रीना दर्शन तथा पर्थना समुद्र तटना मनोरम्य दृश्यों ने निरखता बोट पर उपस्थित सौ कोईनु हैयू आनंद थी छलकाई रह्यु हतु। आगरनी डेक पर उभा रहीने स्वामीश्रीए पूछा करी कि समुद्रनी ऊंडाई बोटनी वर्तमान जग्याए थी केटली छे। कैप्टने जणाव्यु कि समुद्र ते स्थळे थी 8 मीटर ऊंडो छे। बोट समुद्र मध्ये पहोंचता स्वामीश्रीए चारे तरफ अमित दृष्टि करी। त्यारबाद स्वामीश्रीए त्यां नजीक में उभेला संतो अने हरिभक्तो प्रत्ये कहूं, चालो आपणे बधा स्वामी नारायण धून करिए। बधा ताड़ी वगाड़ता वगाड़ता स्वामी नारायण धून करवा लाग्या। थोड़ी ज क्षणों बाद स्वामीश्रीए ताड़ी वगाड़वानु बंद करीने धून करावानु रहस्य उजागर कर्यु। दरेकना मन में कई केटलाय विचारों पसार थी गया परंतु स्वामीश्रीना मन में चालता विचार ने कोई पकड़ी शक्यू नहीं। केम? कारण के आ एक अजोड़ संकल्प हतो। एवो संकल्प कि जे मात्र सत्पुरुष ज करी शके। केम के तेमनु हृदय ए समुद्र करता पण विशाळ छे अने मन ए मोतियो करता पण अति शुद्ध छे। स्वामीश्रीए कहूं, बधा जीव जंतुनु कल्याण थाय स्वामीनारायण स्वामीनारायण। बधा आश्चर्यचकित थई गया। छता धून तो चालू ज रही। फरीथी स्वामीश्री अटकी गया अने पोताना जमणा हाथ थी गोड़ गोड़ इशारो करता कहूं,
આડોશી પાડોશી બધાનું પણ કલ્યાણ થાય, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ। બધા દંગ રહી ગયા। સ્વામીશ્રીએ સમુદ્રમાં રહેતા તમામ જીવો માટે તો પ્રાર્થના કરી જ, પરંતુ સમુદ્રની બહાર રહેતા જીવો માટે પણ પ્રાર્થના કરી। આ છે સ્વામીશ્રીની અસીમ કલ્યાણ ભાવના। જ્યારે બોટ પર સવાર દરેકનું મન સૂર્ય સમુદ્ર અને કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણી રહ્યું હતું, ત્યારે માત્ર સ્વામીશ્રીનું મન જ વિચારી રહ્યું હતું સૌનું કલ્યાણ થાય। આ માત્ર બોટ પરનો વિચાર નહોતો, પરંતુ આ એ વિચાર છે કે જે સાથે લઈને જ સ્વામીશ્રી આ પૃથ્વી પર અવતરિત થયા છે, અને આ જ કારણસર તેઓ શ્રી એક ગામથી બીજે ગામ, એક શહેરથી બીજા શહેર અને એક દેશથી બીજા દેશમાં અથાગ વિચરણ કરે છે કે સૌનું કલ્યાણ થાય। સર્વ જીવ હિતાવહાય નમઃ। મહંત સ્વામી મહારાજાય નમઃ।